तो भाई लोग ये हम लोग आ गए गैलेक्सी है। हुआ क्या जब वो क्रॉसिंग से मैं जब ये क्रॉसिंग से जब मैं निकल ही रहा था तो क्रॉसिंग के बाद वहाँ पे चार ऑफिसर आए मेरे पास। ऑफिसर आके मुझसे कहते हैं यहीं पे और बहुत सारे एक्ट्रेस लोगों का एक्टर और एक्ट्रेस लोगों का घर भी है मन्नत से पहले मन्नत एंड में। वो तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग सब। एक बार फिर से एक नई वीडियो और पुरानी जगह मेरे पीछे स्टेशन बांद्रा स्टेशन। स्टेशन के पास मैं खड़ा हूँ इस वक्त क्योंकि आज चलना है हम लोगों को कहाँ 200 करोड़ के बंगले में आज डिनर करना है हम लोगों को। कभी किए हो क्या आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हम लोग चलते हैं बैंड स्टैंड बांद्रा बांद्रा स्टेशन में हूँ। यहाँ से ऑटो टोटो तो नहीं यहाँ से ऑटो जाता है और बस भी जाती है। फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पे ऑटो स्टैंड में खड़ा। सारे लोग मेरे पीछे खड़े हैं और सारे लोग मेरे पीछे क्यों खड़े हैं क्योंकि सबको ऑटो पकड़ना है और बस पकड़ना है तो इस वजह से और मुझे सीधा स्ट्रेट जाना है। चलो मैं दिखाता हूँ कि स्टेशन से बाहर निकलते ही बैंड स्टैंड जाने वाला रास्ता में क्या क्या चीज़ है वहाँ पे। और आज वो जगह भी दिखाऊंगा आप लोगों को जो जिस जगह पे खड़े होके ईद की मुबारकबाद बकरीद की मुबारकबाद शाहरुख खान अपने बंगलों से देते हैं बंगलों के बाहर से। स्टेशन के बाहर ही खड़ा हूँ और चलते हैं आप लोगों को गैलेक्सी अपार्टमेंट भी दिखाता हूँ सलमान खान जहाँ पे रहते हैं वो। तो चलो फिर देखते हैं आज मिल पाता हूँ यानी आज डिनर हो पाता है कि नहीं चलते हैं आगे। तो भाई लोग ये बांद्रा क्रॉसिंग है स्टेशन वहाँ स्टेशन है। स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलोगे ऑटो स्टैंड और इस तरफ पूरा मार्केट बाज़ार खाने पीने का पहनने का कपड़े ऑटो स्टैंड और ये बस स्टैंड और सामने वो लोग बस पकड़ने के लिए। ये भी बस स्टैंड समझ लो गोड़ेगांव के तरह ही है लंबा चौड़ा। सामने ये मस्जिद बेहतरीन मस्जिद है सुन्नी जामा मस्जिद बांद्रा। तो अभी चलते हम लोग आगे बैंड स्टैंड की तरफ जो इधर स्ट्रेट निकलते ही स्ट्रेट रास्ता के अंदर में। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलोगे और सीधा आओगे स्ट्रेट रोड पकड़ के यहाँ पे एक क्रॉसिंग मिलेगा जिसको क्रॉस करके आपको स्ट्रेट अंदर की तरफ जाना है। किसी से भी पूछना यहाँ पे किस तरफ लेफ्ट भी नहीं जाना है राइट भी नहीं जाना है स्टेशन एकदम सीधा स्ट्रेट अंदर जाना है इसके अंदर। रास्ते में ये कुछ मार्केट है जो बैंड स्टैंड की तरफ जाता है। ज़बरदस्त सब महंगा चीज़ सब कड़वाज लोग हैं यहाँ पे। बहुत दिनों बाद एक पोर्शा देखा यहाँ पे। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे सेंट पीटर चर्च और सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल है ठीक उसके स्ट्रेट सीधा जाना है। वॉकिंग डिस्टेंस कम से कम 20 मिनट की है और बस जाती है ऑटो जाती है वो 10 मिनट में आपको पहुँचा देंगे। चलो अभी अंदर फूट से ही चलते हैं। तो भाई लोग ये हम लोग आ गए गैलेक्सी है सलमान खान का घर बांद्रा है बैंड स्टैंड। तो सलमान खान का घर तो घुमाना ही था तुम लोगों को यहाँ पे मेन सिक्योरिटी वजह से अभी कुछ नहीं दिखा सकते ना। चलता हूँ बैंड स्टैंड अंदर चलते हैं ऊपर से जाने नहीं लग रहा इधर से जाना पड़ेगा नीचे से। अरे यार तो ठीक गैलेक्सी के पास से ही सामने निकला हूँ अभी गुजरा हूँ क्योंकि वहाँ खड़े होने नहीं दे रहे सिक्योरिटी पर्पज़ तो इसी वजह से। अब बाकी इधर का व्यू देखोगे ये लोग ही तो ज़िंदगी जी रहे यार हम क्या कर रहे हैं घूम घूम के ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ 2 BHK 1 BHK के बारे में सोच रहे हम लोग सही है ना तो वही बात है। चलो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ चलो बंगलो देखते हैं 200 करोड़। ये पार्क टाइप बना के रखा है तो आओ यहाँ बैठो फैमिली फ्रेंड सर इंजॉय करो। पीछे का जो नज़ारा है ना पीछे का नज़ारा देखो तबाही लेके चलूँगा अभी टाइम मिलेगा अगर अंधेरा नहीं हुआ तो लेके चलूँगा समुंदर किनारे लैंड्स एंड जहाँ पे ज़मीन ख़त्म है लैंड्स एंड वहाँ पे एक ताज का होटल है 5-स्टार होटल
जो लैंड्स एंड नाम से ही है, ताज लैंड्स एंड। चलो लेके चलता हूँ, चलते हैं आगे। यहीं पे और भी बहुत सारे एक्टर्स लोगों का देखो, तो मैं कह रहा था यहीं पे और बहुत सारे एक्ट्रेस लोगों का, एक्टर और एक्ट्रेस लोगों का घर भी है, मन्नत से पहले, मन्नत एंड में। वो अभी तक मन्नत नहीं पहुँचे यार हम लोग। हुआ क्या, जब वो क्रॉसिंग से मैं, जब ये क्रॉसिंग से जब मैं निकल ही रहा था, तो क्रॉसिंग के बाद वहाँ पे चार ऑफिसर आए मेरे पास। ऑफिसर आके मुझसे कहते हैं क्या कर रहे हो, क्या क्या फ़ोटो लिया अभी और क्या वीडियो किया, क्योंकि वो जान रहे हो कि अभी सलमान खान को लेकर कितना यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, मुझे क्या करना पड़ा बताना पड़ा सब कुछ। मेरा आईडी कार्ड चेक किया, पूछा कहाँ से हो, क्या कर रहे हो यहाँ, जॉब वॉब करते हो या नहीं, सारा कुछ। अभी उसके बाद में वो यहाँ से फिर निकला हूँ, वो सब कुछ चेक करने के बाद मुझे बताया अच्छा ये शौक है तो ये इस पर वीडियो बनाते हो, चलो सही है यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो। और हाँ, फिर उन लोगों ने क्या किया, अभी मेरा आईडी कार्ड मुझे दिया। आईडी कार्ड देने के बाद मुझे फिर वो बोला कि चलो कोई बात नहीं, नए हो ना, कितने दिन हुए, बोले 5-6 दिन हुए अभी। तो फिर बोले चलो काम वाम करते हो, बोला नहीं यही तो काम है मेरा, बोले सही है चलो। उसके बाद पीठ थपथपाया, मेरा वीडियो चेक किया, बोले चलो जाओ कोई नहीं। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। चलो अभी मन्नत आप लोग को मैं दिखाता हूँ। चलो पहुँच गए हम लोग कहाँ, मन्नत। मन्नत पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, चलो ऊपर दिखाता हूँ शाहरुख खान कहाँ से खड़े होके किस जगह पे। ईद मुबारक बात देता हमले के सामने थे। देखो मन्नत के गेट पे क्या कर रहे हैं, ये वो रिंग तो पब्लिक को भी तो जिधर पे वो खड़े होके ईद मुबारक सबको करता है। और ये मन्नत का गेट है, लेकिन ये लोग ना मन्नत करने देंगे देखने देंगे, ना जन्नत करने देंगे। और सिक्योरिटी पूरा फुल है, अब बस यहाँ तक। पीछे शाहरुख खान का मन्नत जो अंधेरे में अब दिखेगा नहीं। हाँ तो ये है शाहरुख खान का मन्नत। 211 नंबर बस यहाँ पे आती है, डायरेक्ट स्टेशन से आ सकते हो। ये है मन्नत यार, और क्या दिखाओ बहुत हुआ इस पर। तो भाई लोग, जो मैंने कहा था ना, ताज लैंड्स एंड जो होटल है, 5-स्टार होटल, ये 5-स्टार होटल यही है ताज का, लैंड्स एंड ताज की 5-स्टार प्रॉपर्टी। अभी देखो मैं लैंड्स एंड ज़मीन जो ख़त्म हो रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ इसके बाद आगे ज़मीन नहीं है, समुंदर ही समुंदर है, तभी इसी वजह से इसका नाम लैंड्स एंड पड़ा, समझे, ताज लैंड्स एंड नाम है लिखा हुआ, वो दिख नहीं रहा फ़ोन में, फ़ोन में दिख नहीं रहा। चलो चलते हैं, ये देखो है ना। चलो देखो इधर अभी ब्रिज बन गया, वो ब्रिज जो हम लोगों ने देखा था ना, ओपनिंग हुआ था वो ब्रिज, इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हुआ था। तो वही चीज़, अभी बैठने का जगह का पूरा इन लोगों ने मार डाला। देखो यहाँ पे जगह ये पूरा खुला हुआ था पहले, सब रहने सहने का बन गया, यहाँ पे सीढ़ी है ऊपर चढ़ के अब आओगे नीचे, और कचरा कर दिया यार। सामने से क्या था ना, मन्नत के सामने से आगे जाओगे लैंड्स एंड जो मैंने अभी दिखाया है ताज होटल, वहाँ से तुम डायरेक्टली नीचे आ सकते थे, डायरेक्टली नीचे वहाँ सामने जाओगे और फिर सामने ही समुंदर था। अभी सब कुछ बना दिया, चलो ऊपर। भाई लोग बारिश स्टार्ट हो चुका है, बहुत तगड़ा बारिश। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, और निकलने के बाद चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। आप लोग वेट कीजिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉगिंग के लिए। और इस वक्त समुंदर किनारे जो कुछ दिख नहीं रहा है आप लोग, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।